हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई। शतरंज दुनिया में सबसे पहले कहाँ खेला गया? क्या आप लोगों को पता है कि केसर इतना महंगा क्यों होता है? तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को छोटे से इंट्रो के बाद। फैक्ट नंबर 6, भारत में पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत पुराना है और काफी प्रसिद्ध है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में पतंगों को उड़ाया जाता है और साथ ही त्योहार को मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहली पतंग आई कहाँ से, किसने इसे सबसे पहले उड़ाया, इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? आइए जानते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि चीनी यात्री फहीन और ह्यूइन त्संग पतंग को भारत में लाए थे। ये टिश्यू पेपर और बांस के ढांचे से बनी होती थी। लगभग सभी पतंगों का आकार एक जैसा ही होता है। पतंग उड़ाने का खेल भारत में काफी लोकप्रिय है। भारत में पतंग बसंत पंचमी पर उड़ाई जाती है। फैक्ट नंबर 5, डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांसों को रोक सकती है और अपनी एक आंख को खुलाकर और एक आंख को बंद करके सो सकती है। फैक्ट नंबर 4, शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है और कठिन प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में थी। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में लगभग 1000 तरह के केलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक तरह के केले को खाना ही पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 2, पनौती वर्ड का यूज़ तो आप अक्सर ही करते होंगे, लेकिन इसका इंग्लिश में असल मीनिंग सिचली मिजल होता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोगों को पता है कि केसर इतना महंगा क्यों होता है? अगर नहीं पता तो आपको बता दें, केसर के एक फूल से केसर के सिर्फ 3 धागे ही मिलते हैं, इसलिए इतना महंगा होता है।